स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से, जी हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 37 को, जिसमें हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। मेरे बच्चों, पहले हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। और स्टेटमेंट में दिया है हमें ई, एफ और जी, तीन पार्टनर। कौन से पार्टनर है? तीन पार्टनर। ई जो कि 3 लाख की कैपिटल लगाते हैं, एफ जो 4 लाख की कैपिटल लगाते हैं, जी जो 5 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। ई, एफ, जी जो पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:4 है। इसमें हमें बताया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से देना है, इवन फर्म में लॉस की सिचुएशन चल रही है तब भी। और फर्म के अंदर जो साल का प्रॉफिट हुआ है, मतलब फर्म के अंदर अगर लॉस हो जाए तो भी 12% की दर से आपने ब्याज देना ही देना है। यानी यहां हमें ब्याज को हर हाल में देना है, ब्याज एज ए चार्ज है। जो साल भर का प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,10,000 रुपए। इसमें हमें अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर करने, इसमें हमें बताना है जनरल एंट्रीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट सफिशियंट है या इनसफिशियंट। अगर मैं ई, एफ, जी के इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, तो कितना देना पड़ेगा मुझे? उसने कहा है लॉस हो जाता तब भी देना है। पहले मैं देखता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ेगा कितना। अगर मैं इस पे 3 लाख पे 12% निकालूं तो ई का बनता है मेरे पास 36,000 रुपये। एफ का बनता है 4 × 12 = 48,000 रुपये, 48,000। और जी का बनता है 5 लाख पे 12% यानी कि 60,000। अगर मैं टोटल करता हूँ तो 1,44,000 मेरा बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि मेरे पास प्रॉफिट क्या है? 1,10,000 रुपये। 1,44,000 बनता है, मेरे पास प्रॉफिट है 1,10,000, जो कि मेरा इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेस है। परंतु क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना देना है तो देना ही पड़ेगा, अर्थात मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स में इसे डेबिट में लिखना ही होगा। इवन लॉस क्रिएट होगा 34,000 का। देखो कैसे 1,10,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फोर्सफुली 1,44,000, तो 34,000 का जो गैप है वो पार्टनर्स का लॉस होगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि इसे जनरल एंट्री कैसे लिखी जाएगी। जब आप देंगे इसे प्रॉफिट्स में दें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, तो हर फर्म का खर्चा क्या होता है? डेबिट। कितना देना है? 1,44,000। एंट्री समझिए मेरे बच्चे, एंट्री कैसे समझते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ फर्म्स एक्सपेंडिचर, सो इट विल बी डेबिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट्स रूल्स। अब जिन अकाउंट्स को ई कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं, बी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं, जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं। जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इसका मतलब यह है कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा ई को मिलेगा, ए का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितना? 36,000 मिलना है। एफ का अकाउंट क्रेडिट है, मतलब एफ के अकाउंट में जमा करना है हमने, कितना? 48,000 रुपये। किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जी के अकाउंट क्रेडिट है, इसका मतलब है जी के अकाउंट में देने हैं पैसे हमने, कितने? 60,000 रुपये। किसके? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो ये एंट्री पहली होगी कि फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने, जी हाँ, अपने यहाँ पर डेबिट करेगी, क्योंकि फर्म का एक्सपेंडिचर है। और ई, एफ, जी को ये इस खाते में से निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा, और 1,44,000 यहाँ आएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ई को, एफ को और जी को। पहली एंट्री मेरी यहाँ कंप्लीट होती है। दूसरा, ये पैसा कहाँ से लिया जाएगा? ये पैसा लिया जाएगा लाभों में से, 31 मार्च 2018 को। तो दूसरी एंट्री है पी एंड एल अकाउंट डेबिट, जिस खाते को डेबिट करते हैं वहाँ से पैसा निकालते हैं, या उसमें से खाते में से पैसा चार्ज किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। आप कह रहे थे पहले ये एंट्री बनाता फिर ये एंट्री बनाता, हाँ दोनों में से कोई भी एंट्री पहले बना सकते हो। मैंने तो जी कैलकुलेट किया था इसलिए पहले एंट्री ये बना दी। अब एक काम करना, पी एल अकाउंट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चार्ज कर लेना, ये एंट्री पहले भी हो सकती है, हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, इस खाते को डेबिट करने का मतलब है यहाँ से पैसे हम निकाल रहे हैं, और जिस खाते को क्रेडिट करते हैं उस खाते में पैसे क्रेडिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। 1,44,000 लाभों में से निकाले है, नहीं 34 का लॉस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए नहीं थे, इसलिए मैंने पहले बांट दिए कि 1,44,000 बढ़ते हैं। ठीक है, सुफिशियंट प्रॉफिट होता था, ये एंट्री मैं पहले कर सकता था, बाद में दूसरी एंट्री करता। प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,44,000 से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में आपने ये इससे चार्ज करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डाल दिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देने हैं ई, एफ, जी को इतने,
ये दोनों एंट्री म्यूचुअल हैं, कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको जानते हैं जब 144,000 है ही नहीं हमारे पास प्रॉफिट है 110,000 का, तो उस 110,000 में से 144 अगर हम दे देंगे तो 34 का क्या आएगा, कंप्लीट लॉस आएगा। लॉस को कौन बांटेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर बांटेंगे अपने ओल्ड रेशियो में, वो कितना है 3:3:4 EFG। ये प्रॉफिट शेयरिंग है इनका, इनका प्रॉफिट शेयरिंग में लॉस आया इनके हिस्से में, क्योंकि 144 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फोर्सफुली देना ही देना है, तो 34,000 को ई जिनके कैपिटल अकाउंट डेबिट किए जाते हैं उनके अकाउंट में से चार्ज किया जाता है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको पूरा पूरा देंगे, 36 इसको देंगे, 28, 48 इसको देंगे, 60 इसको देंगे, तो यही पार्टनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, अपने अकाउंट्स में से जो लॉस है वो बियर करेंगे या लॉस निकाल के देंगे। ई के कैपिटल अकाउंट से लिए जाएंगे 10,200, ठीक है, फिर इसको जाकर 36 का भुगतान किया जाएगा। एफ के कैपिटल अकाउंट से लिए जाएंगे, ये वो खाते हैं जहाँ से अमाउंट चार्ज कर लेना है, 10,200 ई के, एफ के कैपिटल अकाउंट में आएंगे 10,200, जी के आएंगे 13,600, क्योंकि इनके रेशो थे 3:3:4, इसलिए इनमें से चार्ज किया गया है 10,200, 10,200 और 13,600, और ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 34,000 का। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या किया मैंने क्रेडिट, ठीक है बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किया तो इसके अंदर 34,000 और डालेंगे, ठीक है, 110,000 है ही ऑलरेडी, तब जाके 144 का भुगतान होगा। तो इस प्रकार से एंट्रीज बननी है, कोई डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं।